कृष्ण स्नेह किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। आप देख सकते हो कितने फूले फूले भटूरे हमारे बने हैं और छोले भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी, तो चलो बनाते हैं छोले भटूरे। छोले बनाने के लिए हमने एक कटोरी भर छोले रात भर पानी में भिगोकर रखे थे, उन्हें साफ पानी से हमने धोकर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 गिलास पानी। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देते हैं। इसे चम्मच से अच्छे से मिलाते हैं और कुकर में इसे 5 सीटी आने तक पकाना है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। राई जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हींग डाल देते हैं, करी पत्ते के पत्ते डाल देते हैं। 2 प्याज हमने बारीक कट करके लिए थे उसे डाल देते हैं और प्याज को तेल में अच्छे से भून लेते हैं। हमने 3 हरी मिर्च लंबी लंबी काट कर ली है, इसे भी इसमें डाल देते हैं और भून लेते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसे भी डालकर इसमें भून लेते हैं। हमने 2 टमाटर बारीक कट करके लिए हैं, उसे डाल देते हैं। छोले हमने कुकर में पकने के लिए रखे थे, तब उसमें 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाला था, इसीलिए हम यहाँ सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही नमक डालेंगे। आप आपके स्वाद के अनुसार नमक डालना और नमक को भी इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। इसे तेल छूटने तक हमने भुना है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें कांदा लहसुन मसाला डाल देते हैं और मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच एवरेस्ट का छोले मसाला लिया है, उसे डाल देते हैं। आप किसी भी ब्रांड का छोले मसाला ले सकते हो, 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देना है और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिलाते हैं। इससे हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। अच्छे से मिलाना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और इसके ऊपर हम ढक्कन रख के इसे तेल छूटने तक पकने देते हैं। 2-3 मिनट के बाद हमने ढक्कन निकाल दिया है। आप देख सकते हो मसालों ने तेल छोड़ दिया है और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। हाथ से क्रश करते हुए हमने इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और मसाले में अच्छे से मिला लेते हैं। कुकर में छोले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें कुकर में पकाए हुए छोले डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हो छोले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। छोले जितने अच्छे से पक जाते हैं
उतना ही उसका स्वाद उभर कर आ जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा ग्लास पानी। इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मीडियम गैस पर हम इसे 7 से 8 मिनट पकने देते हैं। छः मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। घी डालने से छोले का स्वाद भी बहुत बढ़ता है और उससे खुशबू भी अच्छी आती है। अब 8 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर लेते हैं। इसके ऊपर हम कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और छोले को हम एक डिश में सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितने चटपटे छोले हमारे बन चुके हैं। ये दिखने में भी जितने अच्छे हैं उतने ही ये स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसी तरीके से एक बार छोले रेसिपी ज़रूर बना कर देखना। आपको पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खाने के लिए तैयार है हमारे स्वादिष्ट छोले। अब हम आपको फूले फूले भटूरे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी दिखाते हैं। अगर आपके भटूरे फूलते नहीं तो इस तरीके से बनाओ, आपके भटूरे 100% फूले फूले बनेंगे। तो चलो बनाते हैं भटूरे। भटूरे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला है और 1 कटोरी हमने इसमें मैदे का आटा डाला है। आप चाहो तो पूरा मैदा भी ले सकते हो। इसमें 1/2 चम्मच हमने खाने का सोडा डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसमें हम 3 चम्मच दही डाल देते हैं। 3 चम्मच दही डालने के बाद इसमें 2 चम्मच हम तेल डाल देते हैं। दो चम्मच तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच सूजी डाल देते हैं और सूजी को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा गूंद लेते हैं। याद रहे आटा ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का आटा हमने गूंद लिया है और आटे को हम ढककर 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, आटे ने हमारे अच्छे से रेस्ट किया है। अब भटूरे बनाने से पहले हम इस आटे को फिर से गूंद लेंगे। इससे हमारा आटा और भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसके भटूरे भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसकी एक लोई तोड़ लेते हैं और हाथ पर इसे गोल गोल घुमाते हुए गोल गोल शेप देते हैं। आप देख सकते हो इस तरह। अब हम आटे को हल्का सा सूखा आटा लगा कर लेते हैं। आप चाहो तो बिना सूखा आटा लगाए भी भटूरा बेल सकते हो और इसे हल्के हाथ से बेल लेते हैं। गैस पर हमने भटूरा फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने को रखा है। हमने इसे ज़रा सा लंबा भटूरे जैसा शेप देकर लिया है, इस तरीके से। गैस पर कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें भटूरा फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। आप देख सकते हो कुछ सेकंड में ही भटूरा हमारा गुब्बारे जैसा फूल कर ऊपर आ गया और इसे उलट पुलट कर हमें फ्राई कर लेना है। ये भटूरे काफ़ी टाइम तक फूले फूले रहते हैं और ये ज़रा से क्रिस्पी भी बनते हैं। स्वाद में भी ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। खाने के लिए तैयार है हमारे छोले भटूरे। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।